इंडिया में इस बार होती है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाई जान मैंने बोला, मैंने यही बताया, वहाँ मिलते हैं इंडिया में भी। इंडिया में मिलते हैं ना यार, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, आके कुल दिया के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। घी मैंने गा लिया, घी लिया 650 रुपए किलो लिया, किसी ने 650 रुपए किलो डाल डा घी लिया, किसी ने भी नहीं पूछा। मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। 200 रुपया किलो टमाटर भाई। जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा, थोड़ी सी बुरी भी है। पूछने 400 रुपए किलो है क्या? 400 रुपए किलो, 390 क्या? ये अमेरिका से आ रही है दूध का, आज का है आपने खरीद रहे हैं? वो 600 के करीब है, 4 रुपए कम 600। भाई हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से प्याज, इंडिया से हमें 20 मिलता, अगर ईरान से हमें 30 भी मिलता, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया से नहीं, हम लेने के लिए तैयार। इंडिया से चाहे 20 मिले फिर भी नहीं लेंगे। अफगानिस्तान से मिल रहा हमें वेलकम, हम लेने के लिए तैयार है। ईरान से क्या वजह है? हम इंडिया से नहीं लेना चाह रहे बस। रीजन क्या है? मतलब जहाँ कारोबार कर, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, ये पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान में चलती है या फिर पाकिस्तान में, और ये मोटरसाइकिल कहीं पे भी नहीं चलती। ये 1,30,000 की अब सुनने में आ रही है, इसके ऊपर क्या है कंपनी, किस चीज की तब्दीली? इंडियन को मारने को दौड़ते हैं पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान के लोगों को जब बताया जाता है इंडिया के अंदर चीजें महंगी नहीं सस्ती है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी है चीजें, तो वो पाकिस्तान के लोग उस इंडियन बंदे पर झड़प पड़ते हैं, बोलते हैं भाई तू हमें मत सिखा, हमें इंडिया की तारीफ नहीं सुननी है, बहुत हम सुन चुके हैं। दोस्तों क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में कितनी महंगाई पीक पर जा चुकी है, होलसेल मार्केट रेट कितने ज्यादा है वो भी दिखाते चलिए। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या नाम है इस फ्रूट का? बेर। बेर, ये कैसे है किलो? नहीं है भैया, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। ओके, 100 रुपए 150 रुपए किलो है, सॉरी भाई। घी मैंने गा लिया, घी लिया 650 रुपए किलो लिया, किसी 650 रुपए किलो डालडा घी लिया, किसी ने भी नहीं पूछा। उसने पहले 500-480 था, 150 घी बढ़ गया है, किसी ने भी नहीं कहा। शैम्पू की बोतल 120 लेके क्यों? एक महीना पहले वो 350 की होगी, वहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा। जी ये मल्टी नेशनल कंपनी है, जिसने बढ़ा दिया कोई बात नहीं। चावल पूछने 400 रुपए किलो है क्या? 400 रुपए किलो, 390 क्या? ये अमेरिका से आ रही है। दूध का आज का रेट क्या है पर केजी? आज का रेट 140 रुपए केजी। ये आप दे रहे हैं 140 रुपए केजी या ओवरऑल पूरे लाहौर में 140? नहीं, हम दे रहे हैं, कई दुकानों वाले ज्यादा भी दे रहे हैं, कई 170-180 भी मैंने सुना मिल रहा है। हाँ, 180-190 भी मिल रहा है। दही का क्या रेट चल रहा है? दही का अभी सरकारी रेट है वो 165 है। वैसे कितने रुपए बिक रहा है? 200 रुपए वैसे, 180 भी बिक रहा है। कैसे एक पीस देते? 300 रुपए का, 400 एक 300 का, 400 का। 300 वाला क्या छोटा होता है? 300 छोटा, 400 वाला फुल बड़ा। अच्छा, ये भाई छोटे वाला 300 का और बड़े वाला 400 का। ओके सर, ओके हो गया जी, थैंक यू। 200 में बिक रहा है। जो सेब आपने लिया किस तरह पर केजी लिया, पर किलो कितने रुपए है? ये 350 किलो, 350 रुपए किलो सेब। और केले? केले 200 के दर्जन, 200 दर्जन। ठीक है, चिकन जो लेने आए हैं वो किस तरह है आपने खरीद रहे हैं? वो 600 के करीब है, 4 रुपए कम 600। भाई हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से प्याज, इंडिया से हमें 20 मिलता, अगर ईरान से हमें 30 भी मिलता, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया से नहीं, हम लेने के लिए तैयार। इंडिया से चाहे 20 मिले फिर भी नहीं लेंगे। अफगानिस्तान से मिल रहा हमें वेलकम, हम लेने के लिए तैयार। ईरान से क्या वजह है? हम इंडिया से नहीं लेना चाह रहे बस। रीजन क्या है? मतलब जहाँ कारोबार तो जहाँ से बेहतर हो, सस्ता हो, हमें कर लेना चाहिए। आप एग्री करते हैं इसे कि नहीं? कि कारोबार जिधर से ऊपर नहीं एग्री करना चाह रहे, इंडिया से नहीं हम करना चाह रहे। तो आपकी मर्जी है, लाहरी बात है, जैसे आपको चाहे। आप मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ भाजी, मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर से। जब मजबूर हो वहाँ की बात, हाँ तो यहाँ का ही बता रहा हूँ भैया। मैंने यही बताया, वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। चलो सॉरी, मेरे से कोई गलती हुई है तो। अस्सलाम वालेकुम, बढ़िया है। तो ये है भाई हमारे पास अनार, 400 रुपए किलो। चलो सही हो गया जी, 400 रुपए का किलो है ये अनार, सारी क्वालिटी का 400 रुपए किलो है। और ये 500 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी, 500 रुपए किलो। ये है भाई साहब स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो, बाकी सेब का रेट है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक चीज मैंने और देखी वहाँ पे, वो लास्ट पे है। जी अपनी अपनी सोच की बात है, जहाँ पे हमें बचत हो रही है, ठीक है, जहाँ से हमें कुछ फायदा मिल रहा है तो हमें वो करना चाहिए। इंडिया के लोग 1-1.5 रुपया उसने पेट्रोल बढ़ाया था, उसके
कलकत्ता में, तो आवाम बाहर निकल आई थी, हमारी आवाम बाहर निकलती ही नहीं है। अब मोटरसाइकिल के ऊपर 20-20 हजार उन्होंने एकदम बढ़ा दिया, किसी ने भी नहीं पूछने वाली है, किसी ने भी नहीं पूछना भाई। और वो भी मोटरसाइकिल, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, ये पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है, अफगानिस्तान में चलती है या फिर पाकिस्तान में, और ये मोटरसाइकिल कहीं पे भी नहीं चलती। ये 1,30,000 की आप सुनने में आ रही है, इसके ऊपर क्या है कंपनी, किस चीज की तब्दीली? अच्छा हाय, ये क्या है? सुहाग। अच्छा मुसवाक है ये, एक एक पीस देते हो? एक पीस कितने का? 20 का। अच्छा ये भाई मुसवाक है, जैसे टूथ ब्रश की जगह जो यूज़ करते हैं ना। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप चला है? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। मंडी का सर्वे करने आए आप? हाँ देखने आए हो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में यही है बस, महंगाई है, अच्छा काम हो जाए। अच्छा जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा थोड़ी सी बुरी भी है, बुरी इसलिए है महंगाई है। अच्छा अच्छी इसलिए है, खुश रहते हैं। खुश रहना अच्छी बात है, खुश रहे ठीक है, बढ़िया, खुश रहना, खुश रहना अच्छी बात है। अपनी तरफ करो ना, अपनी तरफ जी मैं प्याज और आलू बेचता हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान। तब हम दर्जन के हिसाब से लेते थे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से किलो के हिसाब से मिलते हैं इंडिया में भी। इंडिया में मिलते हैं ना? मैं इंडिया से हूँ। अच्छा आके कुछ दिया है लोगों के मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ आपको कुछ है। आप कह रहे इंडिया में, वो इंडिया की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाई जान मैंने बोला कि वहाँ पे किलो के हिसाब से देते हैं, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से देते हैं। जब भी करो की बात, हम इस मुल्क के छीने हैं, इसीलिए कामयाब नहीं है, बाहर की बात करते अपनी बात करते हैं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ भाजी, मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर से। हाँ तो यहाँ का बता रहा हूँ भाई जान, मैंने यही बताया वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। 200 का मुठा, चलो शुक्रिया। ओके ये है भाई चिकंदर जो कि जूस में डालते हैं, ये भी आप केजी के हिसाब से देते हो किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से भी देते हैं और किलो के हिसाब से भी। किलो कैसे देते हो? 200। ये है भाई साहब 200 रुपए किलो, शुक्रिया भैया। ये सर कचालू है? कचालू है ना? शकरकंद है। शकरकंद है, ये कैसे बेचते हैं आप किलो? 100 रुपए किलो। तकरीबन सारी सब्जी मैंने एक्सप्लोर कर रही थी, करेला भी बच गया है और एक वो सामने भिंडी भी बच गई है। तो कैसे भाई का नाम? ये 500 रुपये, 500 रुपये किलो है भाई करेला, और पीछे आपके वो भिंडी भी पड़ी हुई है, ये कैसे है? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। ये साथ में क्या है? ये वाला देसी चना है। देसी चना हाथ में पकड़ के दिखाएं जरा आप, ये कैसे है किलो? ये 200 रुपये किलो। ये सामने क्या है? खीरा बादाम। तो भाई देखा आपने कैसे कश्मीरी भाई, जो इंडियन कश्मीरी भाई हो, पाकिस्तान गया भाई, ब्लॉगिंग कर रहा था, पूछ रहा था लोगों से भाई क्या रेट का लगा है, तो भाई उन्होंने बताया भाई इंडिया में चीज सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी, तो भाई लोग भड़क गए यार, भड़क गए, मतलब उन्हें बहुत जलन हुई भाई। तुम इंडिया की बात मत करो, हम बहुत पहले ही बड़े जले हुए हैं यहाँ पर, हम बहुत पहले ही बहुत परेशान है, प्लीज हमें और परेशान मत करो, हम इंडिया की तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं। दोस्तों क्या राय रखते हो भाई इनके बारे में, इतनी महंगाई पाकिस्तान के अंदर है भाई, मतलब 800-800 रुपए किलो अनार बिक रहा भाई, और पूछो मत भाई कितनी महंगी महंगी चीजें पाकिस्तान के अंदर। इवन भाई पाकिस्तानी जो है अफगानिस्तान से, मतलब मोस्टली जो है इम्पोर्टेड होता है सामान, आप इम्पोर्ट किया जाता है बाहर से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाई इतनी अच्छी जो है एक मैनेजमेंट नहीं है, एक सहूलियत नहीं है किसानों के लिए, फैसिलिटीज नहीं है कि वो जो अच्छी जो है फसल पैदावार वहाँ पे कर सके। दोस्तों क्या कहना चाहोगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।